आलू और भरवा बैंगन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा अलग अलग बनाना पड़ता है, टाइम लगता है, पर मज़ेदार। चलिए बताएं कैसे बनाया। पूरीज वेलकम। आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन और आलू की सब्ज़ी। उसके लिए बैंगन देखिए मैंने इस तरीके से काट लिए हैं, ऊपर से टोपी निकाल के, यहाँ ऊपर से इस तरीके से और नीचे से इस तरीके से। देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दोनों ऐसे प्लस साइन में खाली यहाँ नीचे से काट लेते हैं, टोपी रहने देते हैं। उससे होता क्या है कि जो इतना हिस्सा होता है ऊपर वाला जो कट नहीं पाता, वो पूरा का पूरा बगैर मसाले के रह जाता है। और इस तरीके से काटने से जो यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा है जिसमें मसाला नहीं जाएगा, वो इधर से डालने से चला जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से मसाला पूरा पूरा बैंगन में चला जाता है। तो इसीलिए हम इस तरीके से इसे काटते हैं। तो ये मेरे पास 250 ग्राम बैंगन है, दो तीन इसमें से काने भी निकल आए थे, तो आप 200 ग्राम के करीब समझिए। और यहाँ पे मेरे पास चार मीडियम साइज़ के आलू हैं जो मैंने इस तरीके से वेजेस में काट लिए हैं। मस्टर्ड ऑयल हीट करना रख दिया है क्योंकि मैं आलू सबसे पहले शैलो फ्राई करूँगी। अभी मस्टर्ड ऑयल गर्म हो रहा है, पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है। एक बार मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तेल कलर चेंज कर देगा, तब मैं सबसे पहले आलू शैलो फ्राई करूँगी। और जब तक आलू शैलो फ्राई होंगे तब तक हम इसका मसाला भी बना लेंगे। तेल गरम हो गया, मैंने तब तक यहाँ पर आलू छान भी लिए हैं देखिए, तो अब मैं इनको शैलो फ्राई कर दूंगी इसमें और इसको ब्राउन कर दूंगी शैलो फ्राई कर। दो बार में डालेंगे और ये एक बार जब शैलो फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इनको मैं एक दूसरे पैन में ट्रांसफर कर लूँगी। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, चलिए ये हमारी खाली मसालदानी है, इसमें हम मसाला बना लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डालिए अपने हिसाब से। नमक हमेशा अपने ही स्वाद के अनुसार डालिए आप, नमक और मिर्च स्पेशली। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती, तो 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अमचूर। अमचूर आप अगर बहुत खट्टा नहीं खाते तो कम डालिए, नहीं तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। हम भी खट्टा थोड़ा कम ही खाते हैं तो 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, और वो भी देखिए ये मसाले वाला चम्मच है, तो 1 चम्मच अमचूर डाल दिया। इसको मिक्स करके मैं हाफ हाफ कर लूँगी, आधा रख दूँगी आलूओं के लिए सूखा, और बाकी आधे में बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के से अराउंड 1/4 टीस्पून जितना, ताकि मसाला जो चिपक जो है वो चिपक जाए। चिपका हुआ मसाला जो होता है ना, वो जब भरते हैं आप बैंगन में तो निकलता नहीं है। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके और हाफ हाफ करके मसाले को आलू के लिए अलग रख लूँगी और उसके लिए ऑयल डाल के बैंगन के लिए बैंगन उसमें मैं भर लूँगी। और फिर बैंगन भरने के बाद हम आगे बनाना शुरू करेंगे इसको। तो देखिए अभी ये शैलो फ्राई हो ही रहे हैं और अभी तो ये फर्स्ट लॉट है, अभी एक और लॉट भी रहता है, तब तक ये बैंगन का पूरा काम हो जाएगा, फिर इसको आगे बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डालने से ये मसाला थोड़ा गीला गीला सा हो गया, ये चिपका रहेगा, और ये सूखा मसाला है जो कि हम आलूओं में डालेंगे। तो इसको मैं भर लेती हूँ क्योंकि ये देखिए मैंने सेकंड लॉट अभी अभी डाला है, ये फर्स्ट लॉट मेरा हो भी गया है, तो उसको मैंने छान के रखा हुआ है। अब ये जब तक होता है तब तक बैंगन भी भर जाएंगे। बैंगन भर गए और यहाँ पर आलू भी हो गए। सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल के मैंने इसमें खाली 1 टेबलस्पून तेल छोड़ा है, 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम है क्योंकि 1 टेबलस्पून में से थोड़ा सा मैंने यहाँ आलूओं के लिए डाला है। तो अब ये जो मसाला है आलूओं का, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि मसाले नहीं तो जलेंगे, आलू तो ऑलरेडी पके हुए हैं, मसाले हमें पकाने हैं, तो थोड़े से पानी में पेस्ट बना लेंगे इसकी और उस ऑयल में पहले मसाले डाल देंगे। ये हमारी पेस्ट तैयार हो गई,
ये हम डाल देंगे यहाँ ऑयल में। बाकी का भी निकाल लेते हैं। फिर मसाला हल्का सा भुन गया, थोड़ा सा एक आधा स्पून और डालूंगी मैं इसमें पानी। यहाँ पर क्योंकि हमें आलू में इसको मिक्स भी करना है, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये अब डाल देंगे इसमें हम आलू। और इसको कर देंगे मिक्स। आलू बन के एक साइड में रहेंगे और बैंगन अलग से बनेंगे, और फिर जो है इन दोनों को आपस में हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये ऑयल देखिए दोबारा हीट कर लिया मैंने, और ये डाल दूंगी इसमें बैंगन। कम सेक पर बैंगन पकेंगे, और बैंगन पकने के बाद फिर इसमें हम आलू इसी कढ़ाई में मिक्स करके एक बार आपस में एक दूसरे के साथ मिला के अच्छे से, और फिर हम गैस बंद कर देंगे। उधर से मैंने आलू के लिए गैस बंद कर दी है क्योंकि आलू हो गए हैं। यहाँ पर हम बैंगन होने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। लीजिए देखिए ये बैंगन रेडी हो गए। थोड़ा बहुत मसाला तो निकला है क्योंकि वो निकलता ही है, बट तेल की वजह से कम निकला है। और ये देखिए ये आलू जो हमारे रेडी हो गए थे, अब हम इन्हें कर देंगे आपस में मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको आधा मिनट एक मिनट आपस में एक साथ पकाएंगे, और फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। तो हमारी आलू और भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मालूम है क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।